ओके सी व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स सेकेंड लॉ. व्हाट वी हैव रिटन दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट एलीलिक पेयर व्हिच रिमेन टुगेदर इन अ हाइब्रिड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड पेयर्ड कंडीशन इज अगेन रीस्टोर्ड बाय द रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द थिंग्स व्हिच हैज बीन रिटन इन द लॉ. Any doubt is there? Once again, I will repeat it. यस सर. एलिलिक पेयर विच रिमेन टूगेदर इन अ हाइब्रिड. इट मीन्स वॉट कि इन एनी हाइब्रिड हाइब्रिड और इन एनी ऑर्गेनिज्म फॉर अ सिंगल कैरेक्टर एलिलिक पेयर्स आर प्रेजेंट. टू एलिलिक पेयर्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म. बट वेन दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग गैमेट्स आउट ऑफ टू एलिलिक पेयर ओनली वन पेयर विल बी ट्रांसफर्ड. इतनी बात समझ में आ रही है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए दो एलील्स हैं. जब वो ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाएगा तो आउट ऑफ दैट टू एलील्स ओनली वन विल बी ट्रांसफर्ड. क्लियर? एंड अगेन द पेयर्ड कंडीशन ऑफ एलील विल बी फॉर्म्ड व्हेन द गैमेट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विल बी फ्यूज्ड बाय द गैमेट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के गैमेट में किसी भी एलील का एक पेयर होगा, उसका दूसरा पेयर दूसरे ऑर्गेनिज्म के गैमेट में होगा. व्हेन बोथ ऑफ दिस गैमेट्स विल फ्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एलील विल अगेन बिकम पेयर्ड. इज इट क्लियर? जी हेलो. सर. यस यस आकृति, व्हाट डाउट इज देयर? सर मैं ये डाउट था कि जैसे जब एलील का एक पेयर हमारे गैमेट्स में आ गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा पेयर वो मतलब सर किसी फीमेल का आ गया, तो सर दोनों तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के हो गए, तो सर वो दोनों मतलब सेम रहेंगे? दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स के हैं लेकिन दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए हैं. सेम रहेंगे तभी तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है. इसीलिए तो यस मैंने सर. बताया था कि अगर आई का कैरेक्टर है तो आई का एलील जो है उसकी पेयरिंग किसके साथ होगी? आई आई वाले के के साथ साथ ही. ही होगी. ठीक है. यस सर. इसीलिए इस लॉ में नीचे लिखा है कि पेयर्ड कंडीशन इज अगेन रीस्टोर्ड बाय द रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. जब गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं तो वापस से एलील क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं. रिस्टोर्ड हो जाते हैं. क्लियर? यस सर. सी द नेक्स्ट पॉइंट. दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट एलील्स डू नॉट गेट मिक्सड अप. इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इवन बिफोर इट्स डिस्कवरी. माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीबडी? यस सर. ओके. मियोसिस, द टर्म माइटोसिस एंड मियोसिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. वॉट वी हैव रिटन इन दिस पॉइंट दैट मियोसिस हैज बीन डिस्कवर्ड लेटर ऑन. बिफोर मियोसिस मेंडल हैज डिस्कवर्ड द लॉ. मेंडल हैज गिवन द लॉ. इट मीन्स वॉट कि विदाउट हैविंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस, इससे पहले मेंडल को ये बिल्कुल नहीं पता था कि गैमेट्स में आधे पेयर आते हैं. बट देन ऑल्सो ही हैज रिटन इन हिज लॉ कि गैमेट्स में किसी भी कैरेक्टर के लिए एक किसी भी एलिलिक पेयर में से सिर्फ एक गैमेट में आएगा. ये बड़ी बात थी कि बिना माइटोसिस, या माइटोसिस का तो नाम ही नहीं है, बिना मियोसिस के बारे में कुछ भी जाने ये अंदाजे से बता देना कि ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस होता है जो हमारे गैमेट्स में जो क्रोमोजोम के नंबर हैं, या क्रोमोजोम के नंबर से कंफ्यूजन हो तो सिंपली जो एलील के पेयर्स हैं उनको आधा करता है. ये बड़ी बात थी कि अंदाजे पे बताना, इतना पहले बताना, और जो आज तक वैसे ही फॉलो हो रहा है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now come to next point. To prove his law, Mendel followed the expression a plus b whole square. A plus b whole square. इतना maths everybody is knowing. A square plus b square plus 2ab. So a plus b whole square indicates what here? What is the meaning of a and b? The two characters. They are indicating the alleles. Okay. And what is 2AB showing? 2AB indicates what? Sir, the hybrid one. 2AB is indicating the hybrid.
some organism will be homozygous, some may be heterozygous, some may be heterozygous. So the two AB condition is showing what? The heterozygous condition. Okay? Heterozygous. Any doubt? It is simple. You need not to bother about the mathematical expression. Any doubt is there? No, sir. Okay, now come to new thing. Up to this point, we have discussed already from last 2 days, the same things are going on. Now we are going to know the new things. जो अब तक हमने मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू नो सम एक्सेप्शंस अबाउट मेंडल लॉ. देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच डू नॉट फॉलो मेंडल लॉ, व्हिच हैज बीन गिवन बाय मेंडल इटसेल्फ, मेंडल एंड इट्स फॉलोअर्स. ओके, आगे चलूं? यस सर. आई डोंट नो व्हाई आज तुम लोग में से ज्यादातर लोगों का वीडियो पॉज हुआ है एक्सेप्ट फरहान. फरहान के अलावा सभी का वीडियो रुका हुआ है. सर मेरा भी. सभी का नेटवर्क खराब है. हाँ सना, अब तो कुछ डांस कर रही है तो दिख रहा है. नहीं लगता है क्या बारिश वारिश हो रही है क्या? रेनिंग, इट इज रेनिंग एवरीवेयर. नो सर, अगर बारिश वारिश होगी तो मे बी के ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, नो प्रॉब्लम. सर देवस्थली फैमिली कितना बड़ा है, बारिश होगी. सर स्कूल खुल रहा है क्या, पता चला? कौन बोल रहा है? हां सर प्लीज आप सब बता दीजिए. There are certain cases which do not follow Mendel's law of dominance and are considered as deviation from Mendelian ratio. Deviation from Mendelian ratio means what? The genotypic and phenotypic ratio which we have obtained in Mendel's law. Now we will see some cases where we are not going to get the same ratio, that is 1:2:1 or 3:1. Hum ye dekhenge ki ye ratio hame nahi milega. And that examples are considered as deviation from Mendelian ratio or the things which are not going to follow Mendel law. Uske liye kuch terms diye gaye. First is incomplete dominance, second is co-dominance, and third one is multiple allele. If you will go on the meaning of word, what is the meaning of incomplete dominance? Aadha adhura, theek hai. इसका कोई एग्जांपल अपने मन से सोच के बताओ. सर किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड मींस व्हाट? इंटरमीडिएट सर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा. अगर हाइट की ले तो बीच, मीडियम. ठीक है, ये सही है कि ना वो बहुत बड़ा. अब तक हमने ये पढ़ा है कि आउट ऑफ द टू एलील्स वन विल बी डोमिनेंट एंड अनदर विल बी रिसेसिव. Now we are going to know some exceptions. कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई intermediate height का भी मिल जाए. ठीक है? That type of cases are included under phenomena incomplete dominance. Means a gene is dominant but it is not complete. दो words है, incomplete dominance and co-dominance. Co-dominance means सर जहाँ जीन्स खुद को फुली एक्सप्रेस करें, यानी वो अपना दोनों कैरेक्टर शो करें, रिसेसिव वाला भी अपना फुल कैरेक्टर शो करे और जो डोमिनेंट है वो भी फुल कैरेक्टर शो करे. और कोई किसी एग्जांपल के साथ? दीक्षा हाथ उठा दियो. ब्लड ग्रुप सर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप. हाँ उठाना नहीं हाथ, बस मुंडे ऐसे हिलाते रहना. हाथ उठा लोगी तो लक्ष्मी बाई हो जाओगी ना, कंगना रनौत. एनीबॉडी एल्स? कोडोमिनेंस वर्ड का मतलब? यस सर. कोडोमिनेंस मींस सर, वेट, आवाज तुम्हारी ठीक नहीं है. सना सर, वही जो अलील्स खुद को प्रॉप मतलब कि फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. जर्सी गाय देखा है सबने? एवरीबॉडी हैज सीन. हां सर देखा है. हाँ, देखा कलर बताओ उसका सना. सर व्हाइट. किसका सर?
जर्सी गाय का कलर व्हाइट। अच्छा सर, व्हाइट ब्लैक दोनों मिक्स होता है। नहीं, कोई व्हाइट भी होती है क्या? प्योर व्हाइट नहीं होती है सर। सर प्योर व्हाइट नहीं होती सर, व्हाइट ब्लैक होती है। व्हाइट और ब्लैक में होगा या प्रवीण बताएगा। अगर किसी को प्योर व्हाइट देखना हो तो बक्सर जा सकते हैं, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है, उसके आसपास व्हाइट जर्सी गाय मिलती हैं। अरे जब नहीं देखा है तो क्या जरूरत है कि हाँ सर देखा है। मुझे पता नहीं है कि तुम लोग कितना खेती और इन चीजों से जुड़े हुए हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके हम लोग सर बोलेंगे नहीं देखा है तो बोलेंगे कि नहीं देखा है तो उसपे भी डांटेंगे। उससे अच्छा है कि झूठ मूठ का ही बोल दो, गाय तो गाय ही जैसी होगी। चलिए नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी हैज सीन, जिसने नहीं देखा है गूगल सर्च देख लेना कि कैसी होती है जर्सी गाय। अब यही जमाना आ गया, मोबाइल से ही जीना खाना है। कई सारे लोगों ने देखा है, मैक्सिमम ऑफ यू हैव सीन, सबने बताया कि इट इज हैविंग पैचेस ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक पैचेस उसके बॉडी पे दिखते हैं। अगर जर्सी गाय नहीं देखा है तो देसी कुत्ता जरूर देखा होगा, जो गली मोहल्ले में घूमता है, जो बक्सर से लेकर देवस्थली तक दिखता है। उसकी बॉडी कहीं ब्लैक होगी, कहीं व्हाइट होगी, या कुछ ऐसे होते हैं जो व्हाइट होते हैं, येलो होते हैं, देखा है? बॉडी पे पैचेस दिखाई देंगे स्किन कलर के। वो पैचेस कैसे डेवलप हो जाते हैं? हाउ दैट पैचेस आर डेवलप्ड? सर उनके दोनों एलील्स खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं अपना अपना कैरेक्टर। मींस व्हाट? इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जर्सी काउ, दैट काउ इज हैविंग टू स्किन कलर्स, वन इज फॉर ब्लैक एंड अनदर इज फॉर व्हाइट, बट बोथ स्किन कलर एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हैं, इसलिए वो उसमें कहीं ना कहीं दोनों दिखाई देते हैं। जहां पे ब्लैक डोमिनेंट है, कहीं ब्लैक डोमिनेंट है स्किन पे, तो ब्लैक दिखाई देगा, जहां व्हाइट है वो व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर है ये? इसके बाद एक एग्जांपल से समझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि एक फ्लावर अगर हमने ले लिया जिसका कलर रेड है, और एक पैरेलली उसी स्पीसीज का फ्लावर ले लिया जिसका कलर व्हाइट है, हमने उन दोनों फ्लावर्स को मिक्स कर दिया। मिक्स मींस वी आर हाइब्रिडाइजिंग द फ्लावर्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर ऑफ पिंक कलर। ऐसा जनरली हिबिस्कस में होता है, गुड़हल का जो फूल है उसमें ये बहुत कॉमन होता है। तो वो पिंक कलर कैसे हो गया? उसका एलील डोमिनेंट होगा सर। किसका? नहीं नहीं सर, उसका जो डोमिनेंट का एलील डोमिनेंट नहीं है सर। पिंक तो था ही नहीं, पिंक तो पेरेंट्स में था ही नहीं। पेरेंट्स वाज हैविंग टू कंडीशन, वन वाज रेड एंड अनदर वाज व्हाइट, बट ऑफस्प्रिंग हैज बिकम पिंक इन कलर, व्हाई सो? सर तो बिकॉज सर जो रेड वाला फ्लावर था उसका और व्हाइट वाला जो फ्लावर था वो दोनों आधा आधा वो लोग मतलब जैसे कि वो दोनों में से कोई अपना कैरेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। यस, नाइदर व्हाइट नॉर द रेड, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इज व्हाट? इंटरमीडिएट। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में? इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाइदर ऑफ द टू एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली, व्हेयरएज इन कोडोमिनेंस बोथ एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है, मम्मी बहुत लंबी, उल्टा हो गया, पापा बहुत लंबे, मम्मी थोड़ी छोटी, मम्मी लंबी हो जाएंगी पापा छोटे हो जाएंगे तब तो जोड़ी ही नहीं बनेगी, क्या बोलते हैं वो, गन्ना बनना ही नहीं बनेगा, पहले ही कट जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मम्मी बहुत छोटी, पापा बहुत लंबे, ऑफस्प्रिंग नमस्ते, ऑफस्प्रिंग इज ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ये कौन सा एग्जांपल हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी भी कोई बोला ये फरहान, कोडोमिनेंस कैसे हुआ जी? सॉरी सर भूल गए, इट इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ आया? मम्मी की आंख, पापा की आंख बहुत बड़ी बड़ी, और मम्मी की आंख नीली, बच्चे की आंख दोनों हो गई, बड़ी भी हो गई और नीली भी हो गई, ये कौन सा एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। बात समझ में आई? कोडोमिनेंस, यस सर। हाँ अंगद
सर ये कैसे हो सकता है, बड़ा और कलर ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है ना? दोनों अलग कैरेक्टर है सेम जीन पे ना, आई का तो एक कॉमन जीन है। ठीक है ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं। ये जो कुछ एग्जांपल्स ऐसे मैंने तुम्हें जनरल तौर पे समझाया सिर्फ कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मैच करते हैं, बिकॉज बोथ आर नॉट गोइंग टू फॉलो द मेंडल्स लॉ। नाउ कम टू थर्ड, दैट इज मल्टीपल एलील। इसके बारे में भी पहले बात हुई है थोड़ी बहुत। देर आर सर्टेन जीन्स विच कंटेन मोर देन टू एलील्स एंड दैट टाइप ऑफ condition is called as multiple allelism and the alleles are called as multiple allele, in which a common example is of blood group. Another example we can consider of skin color. Skin color is also example of multiple allelism. Okay, is it clear? How? Yes, yes sir. I'm not going to finish that topic just now, just wait. Abhi to shuru kar rahe hain. अभी मैंने तीनों के बारे में सिर्फ तुम्हें एक दिमाग में ये थोड़ा जाए कि ये कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करती है। नहीं तो पता चला कि कहीं देख लिए कुछ तो दिमाग में आ गया कि सर ने तो ये बता दिया है कि चाहे बड़ा होगा या छोटा होगा, हम तो न बड़े ही हैं न छोटे ही हैं, न पापा जैसे ही हैं न मम्मी जैसे ही हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो उसी के लिए ये बताना जरूरी था। ठीक है सला, पापा बहुत लंबे हैं। मैं भी तो लंबी हूँ सर। कितनी सर? 5'5". अच्छा, बहुत लंबी हो yes, तो sir. हाँ तो है ही सर, ऐसे मत बोलिए। ठीक है भाई, जिसके घर में जाला वाला लगा हो बुला लो, लंबे लोग उसमें बड़े कारगर होते हैं।